अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के पहले केस पढ़ा है और पार्शियल फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन बताई है आपको। आज हम इस लेक्चर में केस नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास कह रहे कि आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर आएंगे लेकिन वो रिपीटेड होंगे। तो इस सवाल में देखें, आपके पास कह रहे कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर रिपीटेड, मतलब कि x प्लस 1 है लेकिन वो रिपीट हो रहा है 2 times। इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, मैं दोबारा ये लिख देता हूँ। और मैं अब क्या करता हूँ कि इस 2 ब्रैकेट का मतलब ये है कि एक सिंगल ब्रैकेट और फिर प्लस फिर कितना 2 ब्रैकेट, तो एक वैल्यू सिंगल पावर और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी 2 पावर। तो ये रिपीट हो रहा है, देखो x प्लस 1 फिर x प्लस 1 और इसकी पावर कितनी 2, पहली फर्स्ट पावर और फिर सेकेंड। अगर ये 3 होती पावर तो फिर मैं प्लस a 3 और फिर 3 पावर लिखता। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास 2 फैक्टर आ गए, a1 इसको मैंने एक सेपरेट कर दिया और फिर मैं दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ और 2 पावर लिख दिया। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस दोनों वैल्यू को आपस में सेपरेट करूँगा तो मेरे पास वो वैल्यू ऊपर क्या आएगी। और इसको यूज़ करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं और इसे ही कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये नीचे वैल्यू ख़त्म करना है तो मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी मैं ऊपर भी ये वाली वैल्यू के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर भी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना ये वाली, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू चाहिए। तो जब ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऊपर x प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा 4x-3। अब यहाँ पर आए, अब जब इसके साथ ऊपर x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसके नीचे क्या है x प्लस 1 प्लस a2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है a2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ऊपर दोनों के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें ये x प्लस 1 के 2 ब्रैकेट है, एक यहाँ से कैंसिल और एक यहाँ से, ऊपर 2 ब्रैकेट्स और 2 ब्रैकेट्स दोनों कैंसिल हो गए, सॉरी ये नहीं आएगा ऊपर। अब क्या बचेगा फाइनल रिजल्ट 4x-3 a1 x प्लस 1 और यहाँ पर क्या बच जाएगा a2। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिससे मैं a और a2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अब इस x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। इसकी वैल्यू अब मैं ऐसे पुट करूँगा, मैं कहूँगा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, क्योंकि जब इस x प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा और ये -1 हो जाएगा। अब जहाँ पे x होगा पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ ताकि मुझे पता लगे। x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा मेरे पास क्या आएगा, जहाँ पर x होगा वहाँ मैं -1 पुट करूँगा। तो यहाँ क्या है x, यहाँ भी -1 और +3, सॉरी ये -3 है, और यहाँ भी पुट करूँगा a1 -1 +1 और +a2, जहाँ पर x था वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया। प्लस माइनस -4 ones are 4 -3 a -1 +1 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये 0 तो 0 a's are 0 और +a2। मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू a2 की वैल्यू आ गई, वो आ गई मेरे पास a2 इज इक्वल टू -7, a2 की वैल्यू आ गई। अब मैं a1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, इस सवाल में मैंने a1 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं a1 का कांस्टेंट और x की वैल्यू मैं कंपेयर करूँगा। जब मैं x की वैल्यू कंपेयर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पर x और x को कंपेयर करूँ, x और x को, तो मैं क्या लिखूँगा, a1 के साथ जो x है उसकी वैल्यू क्या है 1 और इस a1x की वैल्यू मेरे पास क्या है 4x, तो मैं a1x और 4x को कंपेयर कर सकता हूँ तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। जैसे ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4x और इज इक्वल टू a1x,
यहाँ पर देखिए एक्स एक्स की वैल्यू और कांस्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू अगर कंपेयर हो सकती है, जिसे हम मैथ में कंपैरिजन करते हैं, दो वैल्यू को आपस में इक्वलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं किसी नंबर को और एक्स एक्स को आपस में इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है 4x और a1x, तो a1x की वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगा, एक्स एक्स को अगर कंपेरिजन में कैंसिल आउट कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा a1 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 A1 की। अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आया था ऊपर, या मैं A की वैल्यू पुट कर देता हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, A1 की वैल्यू ऊपर क्या आ गई 4 एक्स प्लस 1 प्लस, और A2 की वैल्यू क्या आई है -7, और यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया। ये वो वैल्यू है कि अगर आप x प्लस 1 और x प्लस 1 को पार्शली फ्रैक्शन करते हैं, दो डिनोमिनेटर में ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो आपके पास ऊपर वैल्यू एक 4 आएगी और एक -7 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को दोबारा एलसीएम लेते हैं, देखो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं, मैंने पहले वाले सवाल में भी बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूं कि अगर इनको मैं दोबारा इसके एलसीएम लूं, एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों नीचे के एलसीएम आप ले तो वो बनता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम। अब पहले वाले से पहले वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो नीचे क्या बन जाएगी, दो ब्रैकेट है और इसे एक ब्रैकेट, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1 के एक ब्रैकेट और यहाँ पे 2 ब्रैकेट, तो 2 ब्रैकेट में से एक 1 ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो 1 ब्रैकेट रह जाएगा, और 1 ब्रैकेट में ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस। अब 2 ब्रैकेट और यहाँ पे 2 ब्रैकेट दोनों कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा ये। अब मैं क्या करता हूँ कि 4 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस, और 4 वन जार 4 और -7, और इसके नीचे क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये बन जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 माइनस करें 3, और नीचे क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोबारा आपके पास क्वेश्चन बन गया, अगर आप क्वेश्चन को देखें दोबारा ये क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब वो दो नंबर जो है वो ये है 4 और -7, जो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू पार्शली फ्रैक्शन हो सकती है। तो ये था हमारे पास सेकंड केस। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड केस पढ़ेंगे, टोटल 4 केसेस है, थर्ड केस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।